प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम अपना क्रियाकलाप का छठा प्रश्न करेंगे और चित्र देखकर उनके अनेकार्थी शब्द लिखो। तो हमें इसमें क्या करना है, अनेकार्थी शब्द लिखने। हमने ये किस पाठ में किया था आपको पता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और इसमें क्या किया था हमने, जैसे जो लोहे की वस्तुएं बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, लोहार। वह व्यक्ति जो लोहे की वस्तुएं बनाता है तो हमें उसका लिखना है नाम। तो अनेक के लिए एक शब्द वाला था ये पाठ, लेकिन हमें क्या करना है, उसके लिए अनेकार्थी शब्द लिखने थे। तो इसे करेंगे हम। तो जो व्यक्ति कपड़े धोता है तो हम लोग लिखेंगे, ये है हमारा छठा प्रश्न है, छठा। ये चित्र देखकर उसके उसके अनेकार्थी शब्द नहीं होगा, यहां पे होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। उसके अनेक शब्दों के लिए अनेक अनेक शब्दों के लिए शब्दों के लिए एक शब्द लिखें, एक शब्द लिखें। ये हमारा, हमने इसे अपने 12 पाठ में किया था और उसमें क्या किया था, अनेक के लिए एक शब्द। तो चित्र को पहले ध्यान से देखना है, एक व्यक्ति है जो कपड़ों को धो रहा, तो उसको क्या कहते हैं, धोबी। उसका क्या अनेक शब्द क्या होता था, जो व्यक्ति कपड़े धोता है, जो व्यक्ति कपड़े धोता है। और उसका एक शब्द में अगर हमें लिखने के लिए कहा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, धोबी। तो हमारा जो पहला चित्र है, तो चित्र तो मैं नहीं बनाऊंगा, तो हमारा जो पहला चित्र है वो है धोबी। आप भी साथ साथ लिखते जाइए। अगला चित्र है, आपने देखा है एक व्यक्ति जो है वो मिट्टी के घड़े बना रहा है, ध्यान से देखिए चित्र में। और ये तो हमने कर भी रखा है, जो व्यक्ति मिट्टी से बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहा जाता है। तो दूसरा चित्र है कुम्हार, हमें एक शब्द में लिखना है। हम ये नहीं लिखेंगे कि वह व्यक्ति जो मिट्टी से बर्तन या घड़े बनाता है, हम क्या लिखेंगे, एक शब्द में उसका उत्तर देंगे। ये प्रश्न जरा गलत था, अनेकार्थी नहीं होगा, एक शब्द लिखें। चित्र देखकर एक शब्द में क्या होगा, कुम्हार। तीसरे चित्र पे चलते हैं, जो व्यक्ति लोहे की वस्तुएं बनाता है। आपको पता है, इसमें देखें कि ये धातु है, लोहे की बाल्टी दिख रही है, घड़े भी दिख रहे हैं और व्यक्ति उसे बना रहा है, तो उसके क्या कहते हैं, लोहे की वस्तुएं बनाने वाला, जो बर्तन बनाने वाले को लोहार कहते हैं।
हमारा तीसरा जो है चित्र, एक महिला है जो नाच रही है, जो नाचती है उसे नर्तकी कहते हैं। जो नाचती है उसे नर्तकी कहते हैं, त के ऊपर है नर्तकी, और जो नाचता है उसे नर्तक कहते हैं। तो याद रखना नर्तक का जो स्त्रीलिंग रूप है वो नर्तकी है। पांचवा और अंतिम चित्र है, एक व्यक्ति है जिसके हाथ में फसल काट रहा है, और हमें पता है फसल लगाने वाला, काटने वाला या खेती करने वाला किसान कहलाता है। तो ये है किसान। किसान वह व्यक्ति होता है जो खेती करता है, या हम कहेंगे जो फसल लगाता है, खेती करता है। तो ये उनको मैं मिटा के जरा ऊपर लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा है तो जरा बोर्ड पे दिखे। तो हमारा जो तीसरा चित्र है वो है नर्तकी का, तीसरा चित्र है नर्तकी, और जो हमारा एक दो तीन चार पांच पांचवा जो चित्र है वो है किसान। तो फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं, पहला जो चित्र है वो धोबी का है। धोबी वह व्यक्ति होता है जिसका व्यवसाय लोगों के कपड़े धोने का होता है। कुम्हार वह व्यक्ति होता है जिसका व्यवसाय मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है। लोहार वह व्यक्ति है जो लोहे की वस्तुएं बनाता है। नर्तकी उस महिला को कहते हैं जो नाचती, जो नाच रही। किसान वह व्यक्ति होता है जो खेती करता है। तो ये था हमारा छठा प्रश्न। अब हम अपने अंतिम क्रियाकलाप जो है उसको पूरा करेंगे, और ये है हमारा पाठ 13 से लेके 15 पर आधारित। ये क्रियाकलाप के जो प्रश्न है वो 13 से लेके 15 पर आधारित है। तो मैं इसे मिटा करके लिखता हूँ। पाठ 13 से 15 पर आधारित। पाठ 13 से 15 पर आधारित। निम्न अशुद्ध शब्दों के अशुद्ध शब्दों के सही वर्तनी पर, शब्दों के शब्दों के शब्दों के अशुद्ध वर्तनी पर अशुद्ध वर्तनी पर सही का निशान लगा। निशान लगाओ। पहला है क,
चिड़िया, दूसरा है चिड़िया, तो इसमें हमें शुद्ध जो शब्द है उसकी पहचान करनी थी और सही का निशान लगाना है। तो इसमें हम देख रहे हैं जो शुद्ध शब्द है वो पहला वाला है, पहला विकल्प सही है, तो ये शुद्ध वर्तनी है चिड़िया का, तो हमने इस पे सही का निशान लगा दिया। उसी तरह ख, पुस्तक, पुस्तक उसके बाद है पुस्तक, तो हमारा सही जो शब्द है ये है सही वर्तनी के साथ। तीसरा है हमारा जो डॉक्टर, डॉक्टर फिर है डॉक्टर, तो ये डॉक्टर, जरा ध्यान से देखिए लिखा है डॉक्टर, ये डॉक्टर और ये डॉक्टर, तो सही जो शब्द है ये है डॉक्टर, इंग्लिश का जो शब्द होता है डॉक्टर, तो ये डॉक्टर भी गलत है और डॉक्टर भी गलत है। घ, खी, लोना दूसरा शब्द है, खी लोना हमारा तीसरा शब्द है, खिलौना खिलौना जो है वो सही शब्द है खिलौना। हमारा अंतिम जो है सेनापति, सेना पति दूसरा है सेनापति, अगला है तीसरा है सेनापति, तो हमारा दूसरा जो शब्द है सेनापति सही है और हमने इस पे सही का निशान लगा दिया है। सेनापति, सेनापति और तो सेनापति सही शब्द है और ये हमारा
दूसरा प्रश्न था, आप चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा जो दूसरा प्रश्न है वो है, वाक्य को शुद्ध करके लिखो, वाक्य को शुद्ध कर लिखो, शुद्ध करके लिखो, हमें चार वाक्य दे रखे तो मैं सही शुद्ध रूप ही लिख रहा हूं, मैं शुद्ध रूप ही लिखूंगा इसका। सैनिक बॉर्डर पर लड़ता है, तो सैनिक नहीं होता है, सैनिक होता है। सैनिक बॉर्डर लड़ता है, दूसरा है मैं विद्यालय रोज जाता हूं, तो विद्यालय नहीं होता है, विद्यालय होता है, मैं शुद्ध करके लिख रहा हूं, मैं विद्यालय रोज जाता हूं, ग है मेरे दोस्त का व्यवहार बहुत अच्छा है, व्यवहार नहीं होता है, व्यवहार होता है, आधा वह होता है, तो ये गलती जो थी अशुद्धि को मैं दूर कर देता हूं और लिखते हैं मेरे दोस्त का, मेरे दोस्त का व्यवहार में अशुद्धि थी, उसको मैं सही कर देता हूं, आधा वह पूरा य उसके बाद वह, मेरे दोस्त का व्यवहार बहुत अच्छा है, इसके बाद अंतिम वाक्य जो है हमारा घ, उसको भी हम सही कर लेते हैं, ये भी अशुद्ध है इसमें, वह कल बीमार था, तो बीमार भी ये वर्तन ही गलत है, वह कल बीमार में बड़ी की मात्रा होती, बीमार था, पूर्ण विराम। तो एक बार कौन कौन से हमने इसमें सही शब्द लिखे उसको एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ, जो चार वाक्य थे इनमें एक एक शब्द गलत था, तो उन शब्द पे ध्यान दीजिए, सैनिक, तो पहले में सैनिक की वर्तनी जो थी कहेंगे हम वो गलत थी, हमने सही लिखा है सैनिक होता है, यहां लिखा था सैनिक, सैनिक नहीं होता, सैनिक बॉर्डर पर लड़ता है, मैं विद्यालय रोज जाता हूं, तो विद्यालय में की वर्तनी गलत थी, हमने सही लिखा है, द में हलंत है मतलब द आधा है, विद्यालय, मेरे दोस्त का व्यवहार बहुत अच्छा है, तो यहां पे व्यवहार पूरा वह लिखा था ये गलत है, व्यवहार में आधा वह पूरा यह होता है, तो व्यवहार बहुत अच्छा है। चौथा वाक्य था वह कल बीमार था, तो बीमार में छोटी की मात्रा नहीं होती है, बीमार में बड़ी की मात्रा होती है। तो इसी के साथ ही बच्चों हमारा एक क्रियाकलाप पाठ 13 से जो 15 पे आधारित था वो पूरा होता है, आज के लिए इतना ही।